महाकुंभ में कोई श्रद्धालु प्यासा न रहे, इसकी व्यापक तैयारी योगी सरकार ने की है। स्नान और पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 200 वाटर एटीएम व 6500 टैप स्टैंड लगाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मेला क्षेत्र की ओर आने वाली सड़कों के किनारे वाटर एटीएम लगेंगे। कई वाटर एटीएम मेला क्षेत्र में खुले मैदानों में भी स्थापित होंगे। इन वाटर एटीएम से मात्र एक बटन दबाकर श्रद्धालु आरओ का शुद्ध जल ले सकेंगे। जलकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार मेला क्षेत्र में टैप स्टैंड्स भी लगाए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिनकी कुल लंबाई 1249 किलोमीटर रहेगी, जो अखाड़ों से लेकर कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं की मांग को पूरा करेगी। जहां पेयजल लाइन नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां पानी के टैंकरों का सहारा लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जलकल विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग समेत अन्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि पेयजल सप्लाई 24 घंटे श्रद्धालुओं को मिलती रहे। 36 नए ट्यूबवेल्स का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। मेला क्षेत्र के भीतरी भागों में टैंकरों की व्यापक व्यवस्था रहेगी। अधिकारियों के अनुसार दारागंज, कीड़गंज, मुट्ठीगंज, छोटा बघाड़ा, बहराना, सोहबतिया बाग, तेलियरगंज, गोविंदपुर, झूसी, नैनी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर एक नया अनुभव योगी सरकार मेले में आने वाले 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को कराना चाहती है, जिसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 15 दिसंबर तक सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे।